आज हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ड्रग्स। तो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स में हम पढ़ रहे हैं कि कॉमनली अकरिंग जो क्वेश्चंस होते हैं ड्रग्स से या फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड, जिसमें कुछ ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है, ये किस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, या कभी कभी क्लास ऑफ ड्रग के नाम के अंडर पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन से ड्रग हैं जो इस फैमिली या इस क्लास ऑफ ड्रग्स में नहीं आते हैं या आते हैं। तो इसलिए हम कुछ क्लास ऑफ ड्रग्स और उसके अंडर के कुछ कॉमनली आज ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो द फर्स्ट ड्रग इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स जो इन्फ्लेमेशन अगर होता है किसी पेशेंट को किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो एंजाइम्स, जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, वो कौन से यूज़ होते हैं, उसमें है काइमोट्रिप्सिन जो होता है और सेराटियोपेप्टिडेज। ओके, सो ये दो एंजाइम्स के नाम हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव वो ड्रग्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशंस वगैरह को ट्रीट करने में काम आते हैं, जो हम स्टूल सॉफ्टनर्स के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसमें आते हैं बिसाकॉर्डिल, नेक्स्ट आते हैं लिक्विड पैराफिन, और उसके अलावा जो यूज़ होते हैं दैट इज़ लैक्टुलोस। तो ये वो ड्रग्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, या विच ऑफ़ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी क्लासिफाइड अंडर लैक्सेटिव्स, या विच ऑफ़ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट इंक्लूडेड इन लैक्सेटिव्स। तो इसलिए आपको इन लैक्सेटिव्स के नाम पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, मतलब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखने के लिए या इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, इसमें आते हैं ग्लाइकोसाइड के अलावा ग्लिमेपेराइड, मेटफॉर्म या मेटफॉर्मिन के नाम से आता है, सिटाग्लिप्टिन के नाम से आता है, वोग्लीबॉस जो होते हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोटिक ड्रग्स। साइकोटिक ड्रग्स जो होते हैं ये बेसिकली मेंटली इल पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। इसमें जैसे एल्प्राजोलम है, एल्प्राजोलम का एक और इफेक्ट होता है, दैट इज़ इट हेल्प्स इन इंड्यूसिंग स्लीप। तो अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड इन इनसोम्निया या टू इंड्यूस स्लीप, तो आपको याद रहे कि ये एल्प्राजोलम के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा क्लोनाजेपैम आता है, आता है, प्रेगाबैलिन या हाइड्रोक्सिलिन जो है, ये साइकोटिक ड्रग्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। एंटी डायूरेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा अगर यूरिनेशन हो रहा है या पॉलीयूरिया, मतलब यूरिनरी आउटपुट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में यूरिनरी आउटपुट को कम करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है उनको हम एंटी डायूरेटिक ड्रग देते हैं, और यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए जो ड्रग दिया जाता है उसे हम डायूरेटिक्स कहते हैं। ओके, सो एंटी डायूरेटिक ड्रग्स में आते हैं एसिटाजोलामाइड, फ्रूसामाइड, वैसोप्रेसिन, मिथाजोलामिन, ये सारे एंटी डायूरेटिक ड्रग्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। एंटी मलेरियल ड्रग्स में जो ड्रग्स आते हैं वो है आर्टिमिथर, आर्टिसोनेट, क्लोरोक्वीन, प्रिमाक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ल्यूमाफेट्रिन, एमोडिएक्वीन, डॉक्सीसाइक्लिन। अब ये डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये ज़्यादातर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में यूज़ होता है मलेरिया के, जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी एंडेमिक प्लेस में जाते हैं जहाँ मलेरिया एंडेमिक रीजन है, तो उस रीजन में जाते वक्त प्रोफिलैक्टिक तरीके से अगर डेली डॉक्सीसाइक्लिन का डोज दिया जाए क्लोरोक्विन के साथ या किसी और ड्रग के साथ, तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, सो ये जो ड्रग है ये स्पेशल कंसिड्रेशन में आता है। मिफिक्यून है, ये भी जो है एंटी मलेरियल्स में आते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए या मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए। ओके, सो आज हमने पढ़ा कुछ ड्रग्स के बारे में, उनके क्लास ऑफ ड्रग्स के जो नाम हैं उनका मतलब, वो कहाँ यूज़ होते हैं, किस कंडीशंस में, और उसके जो बहुत कॉमनली आज जो ड्रग्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।